इसको तोड़ दो एक फूल। चलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हम बाहर आए हुए हैं, जहाँ मामू का घर है ना वहाँ गांव ही है, तो मैंने कहा आपको ज़रा बाहर दिखाते हैं। यहाँ पर यह देखिए गंदम, गंदम की फसल यहाँ पर लगी हुई है। अभी है तो छोटी छोटी, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छी फसल लगी हुई है। करीब से दिखाएं इसको, दिखाओ करीब से, दिखाओ हाथ, दिखा हाथ में गंदम पकड़, हाथ लगा के देखो, ये दाने होते हैं। जैसे ही आहद ने थोड़ा सा हाथ लगाया गंदम को, पीछे एक कहीं बुढ़ा बाबा खड़ा था पीछे, ओए होए वो तो शुरू हो गया गालियों को, तो अस्तगफिरुल्लाह। यहां पे सरसों का साग लगा हुआ था पहले, सरसों का साग लगा हुआ था, लेकिन अब फूल बन गए। मामा आगे चलो, चलो हम आगे चले, चल जरा भी चल, अहद चल। फसल हाँ, कितनी बड़ी फसलें लगी हुई है ना। वो देखो घुसने नहीं देते वो, नहीं। बंदा डांटेगा नहीं, इसमें चाहे तो आता नजर आएगा। हाँ, गाय का बच्चा ये कुआं है, पीछे हट जाओ। यहाँ मोटर लगी हुई है, पानी जहाँ से आता है पानी बहुत गहरा है। ओए माँ, बहुत गहरा है, बहुत गहरा कुआं। मुझे तो देखो, अच्छा बेटा देख लो, फुल गांव है ये, देखें बिल्कुल गांव का माहौल है। कच्चा घर यहाँ सामने बना हुआ है, ट्यूबवेल है और फसलें लगी हुई हैं। अच्छा ये सामने कच्चा घर है, तंदूर भी लगा हुआ है, बटरफ्लाई उड़ रही है, और ये है उसके पौधे मुंगरे जो पकाते हैं। हाँ ये फूलों का रस पीती है ना। इधर पिज़्ज़ा तो नहीं आ सकती थी, मैंने कहा चल मैं थोड़ी सी बना के आती हूँ। इधर से वो सारे इसको तोड़ दो एक फूल। बस उम्रे आहा, तो आप ना तोड़ो वो मारेंगे। ये देखो ये हम ना इनका सालन बनाते होते हैं मुंगरों का, ये लगे हुए हैं ऐसे, ये है वो। हाँ इधर मेरे हाथ पे रखो, ये हम इसका सालन बनाते हैं, बहुत अच्छा होता है। ये मूलियों के बनती है मूली। ये प्याज लगे हुए हैं आहद, देखो ये सारे प्याज लगे हुए हैं, बेच रहे हो कोई ना। अच्छे पकते हैं वैसे ये भी, सब पौधे इसके देखो बड़े बड़े। ये अम्मा जी अपने घर पकाने के लिए मुंगरे तोड़ के लेके जा रही हैं, और बहुत ही फ्रेश, बहुत ही नरम नरम से थे। बीज लगा रहे हैं सब, ये पानी जा रहा है सारा इधर। आहद ये क्या हो रहा है, हैं? ये मुझे पानी में, मैं भी दिखाऊंगी तेरी मम्मा को। ये मुझे पानी में धक्का दे रहा है, बुरी बात। वो देखो माहम को पकड़ो, वो माहम। ये टमाटर का पौधा है, इधर लड़के काम कर रहे हैं। ये बाथू है जो हम साग में अक्सर डालते हैं, उसके पौधे लगे हुए हैं सारे किनारे में, उपले थप्पे हुए हैं जो भैंसों के गोबर होती है उसके, ये अभी अभी उसने लगाई है, बस गीली गीली खड़ी है। ला के सालन पकाते हैं,
सब इनका यही गैस होता है, जो हम तो गैस चलाते हैं, ये लकड़ियों के सालन बनाते, इतना मज़े का बनता है। हाय, ओए हट जाओ पीछे, आए हाय, डर भी लगता है। हाँ इनसे तो भाई डर लगता है। आए आए हाय, और दूसरी कड़ी हो गई। आए हद करीब ना जा, वो बच्चा टक्कर मारता है, उल्लू के पट्टे पीछे हो जा, बस फेंक दे ऐसे, बस डर लगता है भाई। आहार अच्छा भाई, माँ हमको भी खिलाने दो ना थोड़ा सा। अब मैं गंदम लगी हुई है। हाँ यहाँ भी वही गंदा, बहुत खूबसूरत जगह है, हरियाली हर तरफ, कच्चे घर और हर घर में जानवर हैं, बहुत खूबसूरत है गांव है, जहाँ तक नजर जाती है सब हरियाली ही हरियाली है। हाँ इधर आओ सर, यहाँ पे और भी खूबसूरत जगह है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे ना छोटी छोटी जगह होती है, कच्चा रास्ता होता है, तो वहाँ पे व्हीलचेयर नहीं जा सकती। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं तो वहाँ जा रही है, यहाँ पे कच्ची सड़क तो है लेकिन खुला रास्ता है। अब्दुल अहद, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सरसों के पौधे अब बड़े हो गए हैं, पहले छोटे होते हैं तो तोड़ के साग पकाते हैं, अब ये बड़े हो गए हैं, फूल बन गए हैं, इनके बीज लगेगा। इधर आओ तुम्हारी तस्वीर बनाऊं, आ जाओ। अब हम घर जा रहे हैं, धूप भी काफ़ी तेज हो गई है, तो उम्मीद है आपको हमारा गाँव अच्छा लगा होगा, ये हरियाली अच्छी लगी होगी। तो आपसे अब अगली वीडियो में मिलते हैं, हम घर जा देनी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। मेरी आंखें भी नहीं खुल रही, इतनी तेज़ धूप हो रही है।